देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं देसी जुगाड़ से बनाया हुआ एक यंत्र, जिससे हम इस प्याज की फसल में स्प्रे करने वाले हैं। ये पूरी जो फसल आप देख रहे हैं, ये प्याज की रोपाई की गई है। इसमें घास ना आए उसके लिए इसमें दवा का छिड़काव किया जाएगा। वो मैं आपको आगे चल के अभी दिखाता हूँ कैसे वो होगा, और इसमें जो देसी मशीन जो जुगाड़ से बनाई गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। प्याज की रोपाई हुई है, और रोपाई करने के बाद इसमें घास ना आए उसके लिए दवा छिड़की जा रही है, स्प्रे की जा रही है। तो जो दवा स्प्रे करने का जो पूरा सिस्टम है वो देसी तरीके से बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रैक्टर है प्रीत का, इसके पीछे देखिए ट्राली लगाई गई है जुगाड़ करके। ट्राली देख सकते हैं आप, इसमें दो ड्रम लगाया गया है जिसके अंदर हमारी दवाइयाँ हैं, और ये पाइप के थ्रू कनेक्ट है यहाँ पे। एक मशीन देख सकते हैं आप, आमतौर पे इससे गाड़ियाँ धुली जाती हैं, लेकिन इसको यूज़ में ले लिया गया है देसी तरीके से बना के। नीचे देख सकते हैं ये जो साफ्ट है उसमें लगा दिया गया है, और पट्टे की मदद से ये चल रहा है और स्प्रे कर रहे हैं भाई साहब हमारे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस ये चल रहा है। इस तरीके से आप अपने ट्रैक्टर को यूज़ करके और छिड़काव कर सकते हैं आराम से अपने खेत में। ये घास वाली दवा डाले ना साहू भाई? घास के लिए इन्होंने लगा। कितना कितने एरिए में आपने लगाया है ये पूरा प्याज? 25-20 में प्याज लगाए हैं। चलिए साहू भैया, ठीक है। कितनी प्याज लग गई होगी साहू भैया? पूरी लग चुकी महाराज। कितनी लगी? ये लगी है 1 किलो 400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम तो बेंगा लगा होगा ना? अच्छा, 1 किलो 400 ग्राम बेंगा में 25-20 आपने रोपाई कर ली है, यही ना? अपना बेहन खुद डाले थे आप? ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से इन्होंने लगाया है, और ये पाइप का सेटअप करके इजी प्रोसेस के थ्रू पूरे खेत में घास की दवा के लिए छिड़काव की व्यवस्था बना दी गई है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। भाई जरा रुक, तो मशीनियाँ जरा देखा जाए नज़दीक से। बंद है फिलहाल ये मशीन, देख सकते हैं। ये वही मशीन है ना जिससे गाड़ी धुली जाती है? उसी को सेट कर दिया ना यहाँ पे। ये हमारा देसी जुगाड़ है, साबू भाई के थ्रू बनाया गया है भाई। इस टैंक में तो दवा है, उसमें क्या है? उसमें भी दवा है, पानी भी है उसमें। जैसे जब जरूरत होगी तो आप इसमें मिला लेंगे। अच्छा, तो ये रिटर्न पाइप इस तरीके से गई हुई है ये, और जितना पानी रिटर्न होगा। अच्छा, मतलब नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे ये पाइप, दो पाइप आप इसमें लगाए हैं ना, प्रेशर बनाना है। हाँ, उसके हिसाब से इसको ढीला कर देंगे। अच्छा, ऊपर जो नोजल बना हुआ उसको ढीला कर देंगे। ढीला कर देंगे तब इसे प्रेशर कम हो जाएगा इस पे, जो मेन पाइप है। मेन पाइप में प्रेशर घटाने और बढ़ाने के लिए वहां से सिस्टम है। अच्छा, ये अच्छा, ये रिटर्न मारने के लिए। चलिए, पूरा देसी जुगाड़ का पूरा सेटअप इन्होंने किया हुआ। अच्छा, इसको बाहर भी निकाल देंगे आप? निकालोगे ये सेटअप पूरा बाहर आ जाएगा, ये इस पे लगा हुआ, ये गुल्ले पे लगा हुआ है। गुल्ला निकाल देंगे, ये गुल्ला निकाल के और पूरा सेटअप बाहर निकाल देंगे आप। ये एक बेहतरीन चीज है। तो जैसा आपने देखा, स्प्रे करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका बनाया गया है। इस तरीके से देसी जुगाड़ से आप अपना खेत में ले जाके कहीं भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोटर वोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ट्रैक्टर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन चीज़ लगी, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।